क्या आप हमेशा कुछ नई चीज़ सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं? तो प्रोटा इन्फो में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको क्रेजी फैक्ट, हिस्ट्री, साइंस, जियोपॉलिटिक्स और बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसा कौन से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पृथ्वी को ठंडा रख सकते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें कुछ हफ्ते से, तो इंडिया 45 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम टेम्परेचर का सामना कर रहा है, और इस हीट वेव के चलते 14 लोगों के अप्रैल में ऑलरेडी मौत हो चुका है। और इस हीट वेव के चलते भारत के इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा असर दिखने वाला है फ्यूचर में। ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है कि इसके चलते अंटार्कटिका के आइस पिघल रहा है, कहीं सूखा ही सूखा पड़ रहा है, तो कहीं हैवी रेनफॉल की वजह से हैवी फ्लड देखने को मिल रहा है। तो भारत में प्रचंड मात्रा में गर्मी देखने को मिल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में बन गया है। भारत के कुछ राज्य में गर्मी इतना बढ़ गया है कि कुछ राज्य में सूखा ही सूखा पड़ गया है, जिस वजह से काफ़ी नुकसानी देखने को मिल रहा है। इस गर्मी के वजह से आज के दिनों में सभी को एसी की आवश्यकता पड़ गया है, सभी गर्मी से बचने के लिए एसी खोज रहा है। लेकिन आपको पता नहीं होगा, ये एसी के वजह से और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल एसी चलाने के कारण से 1950 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो मेरे विचार में एसी को प्रयोग सारे देश में बंद होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से गर्मी और बढ़ रहा है, और एसी की आदत आपकी हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम लोग क्या करें कि इस गर्मी से हम लोग कैसे बचा जाए। सभी को मन में ये सवाल आता होगा। तो सिंपल सा आंसर है, आप पौधे लगाइए और पृथ्वी को हरा भरा कर दीजिए और ठंडा के आनंद लीजिए। लेकिन 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 ये तकनीक काफ़ी पुराना हो चुका है, और ग्लोबल वार्मिंग घटाने में इसको काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसी क्या तकनीक है जो हम इस गर्मी से और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं? ये सवाल कितने को मन में आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हो सकता है। साइंटिस्टों ने इसका हल निकाल चुका है, और वो है सोलार जियो इंजीनियरिंग। इसके बारे में कितने लोगों का पता होगा, लेकिन कितने लोगों के लिए ये शब्द अनजान है। तो मैं बता दूं आप लोगों का, सोलार जियो इंजीनियरिंग ये एक ऐसा टेक्निक है जो सनलाइट को अर्थ में पहुंचने नहीं देती है। ये टेक्निक के कारण से सनलाइट आउटर स्पेस में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस वजह से अर्थ में लाइट ना पुगने के कारण से अर्थ हीट नहीं ऑब्जर्व कर सकता है, जिस वजह से पृथ्वी ठंडा रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, कैसे हम लोग सनलाइट को आउटर स्पेस में ही रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा आइडिया साइंटिस्टों के दिमाग में कैसे आया? तो आपने मेरे पिछले वीडियो जरूर देखा होगा, अगर देखा होगा तो आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं देखा होगा तो जाइए देखिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 74,000 ईयर्स अगो की बात है, टोबा सुपर वोल्केनो नामक एक वोल्केनो विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट की वजह से पृथ्वी पूरा ठंडा हो गया था। और साल 1991 में माउंट पिनाटुबो, साल 1982 में एल चिचोन वोल्केनो इरप्ट होता है, यानी कि विस्फोट होता है, जिसकी वजह से ढेर सारा धूल आसमान में फैल जाता है, और यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है सोलार जियो इंजीनियरिंग की। क्योंकि ये रोड में उड़ने वाला धूल नहीं था, ये एक एरोसॉल पार्टिकल था, और इस पार्टिकल के वजह से अर्थ के टेम्परेचर में काफ़ी मात्रा में गिरावट आ गया था। अब हम यहाँ पर अर्थ को ठंडा करने के लिए एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में एरोसॉल रखने वाले हैं। अब एरोसॉल क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये एक सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट जैसी चीज़ है जो बेहद छोटा होता है। इसका साइज करीब 1 माइक्रोन से भी बेहद छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फग, मिस्ट, डस्ट, ये नेचुरल एरोसॉल का सही एग्जाम्पल है। इसे हम अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हम मज़ा से घटा सकते हैं। अब इससे छोड़ने के लिए हम बहुत तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से हम पृथ्वी को आसानी से ठंडा रख सकते हैं। अब एरोसॉल के बाद आता है मैराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, जो मैराइन स्नो मशीन के सहायता से समुद्र के पानी को हम बेहद छोटा क्रिस्टल में बदल सकते हैं, और यही क्रिस्टल स्काई में जाके सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है बड़े पैमाने पर, जिससे पृथ्वी को गर्मी से छुटकारा दिलाता है। तीसरा है रिफ्लेक्टिंग शील्ड, जो आउटर स्पेस में रख के हम पृथ्वी को पूरी रूप से ठंडा कर सकते हैं और हीट वेव से भी बच सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पृथ्वी को ठंडा करने के लिए उपाय मिल गया, अब गर्मी से भी छुटकारा मिल गया। ये सुनने में हम लोगों का कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि इन तीन चीज़ों के इस्तेमाल से हम लोग पृथ्वी को ठंडा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि क्या ये तकनीक पृथ्वी के लिए अच्छा है, क्या हम सोलार जियो इंजीनियरिंग के प्रयोग से सभी को भलाई कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, नहीं, नहीं कर सकते हैं।
हालांकि ये तकनीक बेहतर है, लेकिन इससे पृथ्वी के पूरा इकोसिस्टम में नेगेटिवली इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे पूरा पृथ्वी का इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि कुछ अध्ययन से पता चला है, अगर हम इस तकनीक को अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी इस्तेमाल से 10% ग्लोबली रेनफॉल को ये तकनीक रिड्यूस कर देगा, जो ये हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित होगा, जो हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा और बहुत सारे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो हम आगे के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी से बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय, आप अपने आसपास के खाली जगह में पौधे लगाइए और गर्मी से बचिए। तो आज की वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, अपना विचार देना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।